आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन प्राधिकरण विकासखंड धर्मपुर के संयुक्त तत्वाधान से ग्राम पंचायत चंडी के कार्यालय परिसर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने पर विधायक का स्थानीय पंचायत के प्रधान सहित स्थानीय जनता ने जोरदार स्वागत किया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मुख्य अतिथि को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही ग्राम पंचायत चंडी के पंचायत अधिकारियों ने भी विधायक को शॉल से सम्मान दिया। कोई 24 से 32 डिग्री का तापमान होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। जब आप ये आच्छादन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका तापमान उसके अंदर बन जाता है और ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा इसमें है वापसा। वापसा है कुछ नहीं है, मतलब जो हम इरिगेशन हम लोग सिंचाई जब करते हैं, सिंचाई करते हुए क्या करते हैं हम लोग, या तो फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, खूब सारा पानी डाल दिया या हमने पानी को काफी खड़ा कर दिया। सुभाष पालेकर जी ये बोलते कि आपको जड़ों के आसपास पानी देने की जरूरत नहीं है। शुरू में जब मैं ज्वाइन किया था तो टोटली केमिकल फर्टिलाइजर का युग था। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे काम किया, जिसमें कुछ वहाँ से लिया, कुछ इधर से लिया, इकट्ठा करके किया। फिर हम जैविक कृषि की तरफ को आए और आज मैं चौथी कृषि पद्धति, जिसको हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का नाम लेते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं किसान हूँ, घर से मैं भी किसान हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर ली है तो उसमें थोड़ा टच दूसरा मिल गया है। मैं यहाँ से अपनी चर्चा शुरू करूँगा कि मिट्टी, मिट्टी को क्या सोचते हैं, जीवित चीज है निर्जीव चीज है। जब विज्ञान पढ़ने गोष्ठी में आए हैं तो दो प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्यों और कैसे। अगर आप बोलते हैं कि मिट्टी जीवित है तो मैं पूछूंगा जीवित क्यों है। तो किसान भाइयों, मिट्टी जीवित है, इसको जीवित रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। जिस दिन ये मिट्टी जीवित नहीं रहेगी, इस पे कोई भी फल पौधा ग्रो नहीं करेगा। मिट्टी आएगी उसमें इतने जीवाणु होते हैं जितने पूरे विश्व में आदमियों की जनसंख्या नहीं, वो इन नंगी आंखों से हमें नहीं दिखते हैं। उनको देखने के लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं उसका यूज करना पड़ता है और वही जीवाणु कंटिन्यूसली इस मिट्टी में कार्य कर रहे हैं और वो इसको संजीव बनाए। अब केमिकल फर्टिलाइजर से और केमिकल इंसेक्टिसाइड से क्या हुआ कि इन जीवाणुओं का हमने नाश करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप किसी खेत की मिट्टी में कंटिन्यूसली केमिकल डालते रहोगे तो क्या होगा कि वहाँ के जीवाणु मरेंगे ही। और दूसरा प्रश्न अब क्या आता है जो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि जब से मेरी तरह नीच पेंट वाले किसान पैदा हो गए, घरों में पशुओं की संख्या 1 या 2 पे अटक गई है। जो जब मैं छोटा था तो 8 और 9 हमारे घर में भी होते थे पशु, आज 1 या 2 पे आ गए हैं। तो जब 8 पशुओं के गोबर से मैं खेती नहीं कर पाता था तो क्या 1 पशु के गोबर से खेती संभव है क्या? दूसरा ये आता है। तीसरी चीज मैं क्या लेके चलता हूँ कि पौधे को जीने के लिए 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट चाहिए, 17 चीजें चाहिए। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कृषि विश्वविद्यालय नौड़ी से आए वैज्ञानिकों ने आए हुए किसानों से अपने अनुसंधानिक अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया
कि जहर युक्त खेती को न अपनाकर जीरो बजट खेती को अपनाएं और अपने जीवन में फसलों और सब्जियों के माध्यम से घुल रहे जहर से मुक्ति पाए। आए हुए वैज्ञानिकों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रासायनिक खाद का परित्याग करके गाय के गोबर और गोमूत्र से बनी खाद का प्रयोग करें और फसलों को बढ़ाने के लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत होती है उसे अपने घरों में ही तैयार करें। उन्होंने रासायनिक स्प्रे प्रयोग न करने की बात कहते हुए जीवामृत, धन जीवामृत, बीजामृत, फल सुरक्षा, प्राकृतिक कीट रोधक निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, फंगीसाइड, दशपर्णी अर्क, सप्त धान्यांकुर अर्क आदि की भी विस्तृत जानकारी दी। इस शिविर में आए किसान संजीव ठाकुर ने तो वास्तव में इस खेती को अपनाकर जो अंतर पाया है उसको अपने विचारों के माध्यम से साझा किया। साथ ही आए हुए किसानों को भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। कृषि विभाग से आए अधिकारियों ने भी इस प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह देते हुए किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। मई में तो शिविर लगाकर नौड़े में तीन दिन का, तो उसमें हम लोग हमारे ग्रुप को काम कर रहा है एक ऑर्गेनिक में, तो तीन पंचायतों का लोग मौके पर आए। हमने ग्रुप उसमें ग्राम पंचायत घौड़ी, ग्राम पंचायत पट्टानाली और ग्राम पंचायत पाड़िया, इसके तीनों के हम लगभग चार लोगों का समूह है और हम लोग जैविक खेती कर रहे थे। तो बीच में संपर्क हुआ कि इस बात पर लेकर खेती से डॉक्टर चंद्रेल जो रेशन एक्ट्रेस थे और हमारी मैडम साहिबा मंजू ठाकुर जी, उनके माध्यम से हम लोग इसको लेकर पाए। तो हमारे कुछ किसान लोग नौड़ी के लिए गए थे, तो सबसे पहले हम तीन दिन वहाँ हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद फसल लगाने का टाइम आया, हमने खीरा से शुरुआत की थी, तो मैंने खीरा लगाया था दो बजे के आसपास और मेरे को सिर्फ जीवामृत बनाना आया। उस पर मेरे को कोई जीवामृत बना नहीं समझ पाया था, उसके पता था कि नहीं है, तो मैंने उसमें जीवामृत ही डाला फिर, और उसमें से मेरी जो प्रोडक्शन आई वो 140 ग्रेड आई, 140-145 ग्रेड दो बीघा से, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं मानता, बहुत ज़्यादा आई। लेकिन हमारे यहाँ सब के बहुत ज़्यादा बीमारी आई उसमें, तो मैंने सिर्फ जीवामृत ही डाला था उसमें और जीवामृत के ये रिजल्ट आपके सामने रहे जो मेरे पिछले एक्सपीरियंस है। बाकी उसके बाद मैंने आजकल इसकी पूरी पद्धति से उसको मैंने ट्रेनिंग की विभाग के माध्यम से कुफरी में थी, जिसमें आदरणीय पालेकर जी ने हमारे को सब कुछ समझाया। तो पालेकर जी को सुन के तो शायद जो नहीं कभी नहीं बदल सकता, हो नहीं बदल सकता, जो उनकी बताने का ढंग था या जो उनका काम करने का तरीका था, इस तरह से उन्होंने हमारे को समझाया कि किस प्रकार आप उन्होंने एक एक चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, एक एक चीज़ को बड़ी तरीकी से मतलब साइंटिफिकली बेस है। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा लोग तो साइंटिस्ट लोग ज़्यादा तरफ थे आपको, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने हमारे को बताया कि किस ढंग से आप खेती को इस ढंग से करके अपनी जो सेहत भी बरकरार रख सकते हैं और जो हमारे आने वाले जैसे हमारे बीमारियाँ हैं, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे अपने परिवार से तीन लोगों को कैंसर हुआ है और उस कैंसर की अगर आप समझ सकते हो कैंसर कितना भयानक होता है। तो यही थी मन में कि इसको शुरुआत करें। उसके बाद मैंने 24 नवंबर को अपनी कड़ी की फसल मेरा कृषि मित्र को अपनी पंचायत से और मेरे यहाँ फार्म स्कूल लग रहा है सुभाष पालेकर प्रकृति आत्मा के माध्यम से मेरी हो जाए उसमें और हमारे रहते बार बार। तो उसको मैंने सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब बोलते कि पहले आपका अपनी शोध बहुत जरूरी है, तो बीजामृत बनाया और बीजामृत से उसको शोध किया, उसमें गेहूँ का बीज था, मटर का बीज था, सरसों की चीज़ लगाई मैंने, तो उसकी सब्जी को बेहतर थे ग्रुप के हम लोग। तो उसका आप रिजल्ट देख सकते हो कि उसकी आज जो एक खेत में मैंने यूरिया में डाला उसके लिए एक खेत यूरिया में, तो यूरिया ने सिर्फ उसको काला किया है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि काला है, बाकी जो ग्रोथ है उसकी फसल की मेरी उसी की उसी के बराबर। तो पहले जो था एनपीके का बैग आप कह रहे हो 1000 के आसपास का आता है, 1500 का आता है, तो दो बैग लगभग वही रहता है। तो इस बार मैंने सारी उसी प्रैक्टिस किया है, थोड़ा भाजी बाबा पुराने गए मैं पूरा भी बना देगा, उसमें कुछ गोबर भी करना पड़ा बीच में, क्योंकि 4.5 क्विंटल एक हेक्टर में भेजा मैंने कड़क को, एक हेक्टर में लगभग मेरे को 4-4.5 क्विंटल के आसपास भाजी बाबा चाहिए था सबसे पहले बनाने को, तो मैं पूरा नहीं बना पाया, मेरे पास 3 क्विंटल बना, उसके बाद उसमें उसको गोबर डाला, तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया था भाई। अब हम कहते हैं कि अगर मिट्टी में जान नहीं तो फसल लगाना आसान नहीं, तो हमें पहले तो अपनी मातृभूमि को ही दोबारा से सजीव बनाना होगा। और आप अगर देखेंगे, मैं भी जाती हूँ, जैसे अभी उन्होंने ही बताया जो अभी फागुन से आए थे,
आप इसमें मिट्टी में अंतर पाएंगे, जब आप जीवामृत वगैरह डालते हैं तो मिट्टी में जो प्राकृतिक केंचुए हैं वो खुद से अंदर से आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले अपनी मिट्टी जो कि माँ के समान है उसको फिर से सजीव करें। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कृषि विभाग से आए अधिकारियों व कृषि विश्वविद्यालय नौणी से आए वैज्ञानिकों और सभी किसानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की हर योजना गांव में रह रहे लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र में विकास की गति को और तेज किया जाएगा और बिना किसी पक्षपात के विकास कार्य किए जाएंगे, ताकि दून विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र की भी अपनी एक अलग पहचान बन सके। उन्होंने ग्राम पंचायत चंडी में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। विकास होता है तो सब लोगों के लिए होता है। जो सड़क बनती है उसमें से सब लोग निकलते हैं, जो पानी की स्कीम बनती है उसमें से सब लोग पानी भरते हैं। तो मैं उस सबका साथ जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं उस निधि पे चल रहा हूँ और विकास के मामले में कभी द्वेष भावना नहीं रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक फर्श पे बैठने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी है। उन्होंने एक लास्ट बार एक कहा था कि अगर आपने लोगों की सेवा करनी है तो आपको नेता बन के नहीं एक सेवक बन के करनी पड़ेगी। मैं उनके कहने पे चला हूँ, मैं एक सेवक की तरह आपकी सेवा करूंगा, जितने भी आपके विकास के काम होंगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले भी आपकी पंचायत को काफी पैसे दिए हैं, लेकिन अब तो आचार संहिता लगने वाली है, जो आपकी डिमांड है उनको मैं घोषणा करता हूँ, लेकिन ये अगले मई तक आपके पास पैसे आएंगे। जैसे इन्होंने 5 लाख रुपए की मांगी है, 3 लाख रुपए 1 करोड़ को और 2 लाख रुपए 1 करोड़ को, तो मैं आपकी पंचायत को इसको 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। इस अवसर पर दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी के साथ मार्केटिंग बोर्ड सदस्य जयसिंह ठाकुर, डॉक्टर सीमा कंसल, डॉक्टर राजेश कौशल, डॉक्टर कुलदीप ठाकुर, डॉक्टर बी के करकरा, डॉक्टर अंजू ठाकुर, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर अजय सिंह नेगी, संजीव ठाकुर, ग्राम पंचायत चंडी की प्रधान सुनीता ठाकुर, उप प्रधान रमेश ठाकुर, पूर्व उप प्रधान बलवंत ठाकुर, ग्राम पंचायत दाड़वा के उप प्रधान रमेश ठाकुर, ग्राम पंचायत दाड़वा के पूर्व प्रधान पूर्णचंद गुप्ता सहित लगभग 400 किसान मौजूद रहे। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।